फ्रेंड्स नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हमेशा की तरह फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने हाजिर हूं और अभी जो हम फ्लैट देखेंगे ये हमारा 3 BHK फ्लैट है जो सिर्फ 30 लाख रुपए का है, जिसमें हम लिफ्ट और कार पार्किंग दोनों दे रहे हैं। ये जो एरिया है हमारा ये मंसाराम पार्क द्वारका मोड़ न्यू दिल्ली में है, बहुत वेरी नियर टू द्वारका सेक्टर 3। इसमें जो हम लोग ने फ्लैट बनाया है वो हर फ्लोर पे 3 फ्लैट बनाए हैं और टोटल इस बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं। इसका हम आपको 1x1 करके डिस्क्रिप्शन देंगे, बट पहले हम आपको ले चलते हैं जो व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं रोड का, फिर अपने फ्रंट एलिवेशन का, फिर हम अपने फ्लैट के अंदर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आइए। अभी हमने देखा सामने का ओवरव्यू, उसके बाद आपने फ्रंट एलिवेशन देखा और ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा हमारा ये कार पार्किंग है। हम आपको लिए चलेंगे लिफ्ट से ऊपर अपने फ्लैट की तरफ। ये आप देखिए, मैं थोड़ा पीछे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ हम बात करें तो ये हमने मोटर सेक्शन का स्पेस दिया है, उसके बाद यहाँ हमारा लिफ्ट है और सामने से स्टेयर्स हैं। ये भी इस तरफ आप देख रहे हैं, ये भी हमारा पार्किंग का एरिया है। हम लिफ्ट से आपको लिए चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। इसमें हमने कार पार्किंग भी दी है और बिल्डिंग में हमने जैसे ही एंट्री ली, ये हमारा एंट्री जब हमने लिया तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है। लिफ्ट चूँकि 4th फ्लोर पर है तो आने में टाइम लग रहा है, तो हम लोग स्टेयर से चलते हैं। ये जैसे स्टेयर्स पे हम आते हैं, ये हमने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई है और स्टेयर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल आप देख रहे होंगे। तो इसमें स्टो जो आपका मार्बल है वो लगाया गया है और जैसे ही हम यहाँ से अंदर आते हैं तो एक बार आप वहीं पे रुकें, एक फ्लैट हमने इस तरफ दिया दिखाएं। सामने हमारा लिफ्ट है और एक फ्लैट इस तरफ दिया और एक फ्लैट ये है हमारा। जैसे ही हम फ्लैट में एंट्री ले रहे हैं तो ये हमारा साउथ फेसिंग है, मींस अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो ये हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा जो अच्छा माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा ड्राइंग का एरिया है। अगर इसकी हम तकरीबन साइज़ की बात करें तो ये ड्राइंग एरिया हमारा 15x10 का है। इसमें इस तरह के बहुत बढ़िया डिज़ाइन वाले वॉलपेपर यहाँ दिए गए हैं, साथ में स्प्लिट एसी का ऑप्शन दिया गया है। और इसकी अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ जिसमें कॉब लाइट, एलईडी लाइट और यहाँ से हमने ट्यूब लाइट्स भी लगा दिए गए हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है। आप एक लंबी सी इसमें पट्टी देख पा रहे होंगे जिसमें सारी चीज़ें लगाई गई हैं और यहाँ पर हमने फ़ैन भी दिए हैं। ओवरव्यू अगर मैं दूँ तो इसके साथ यहाँ पे हमने एक कॉमन वॉशरूम दिया है। कॉमन वॉशरूम में अब थोड़ा अंदर आ जाएं, कॉमन वॉशरूम में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो सीट का स्पेस है वो इस तरफ दे दिया और बाकी ये वाला हमारा स्पेस है बाथिंग के लिए। इसमें अभी सारी सैनिटरी फिटिंग लगनी है। अगर इसमें हम सोफ़ा की बात करें कि सोफ़ा कैसे प्लेस होगा, तो आपका एल टाइप में ऐसे सोफ़ा प्लेस होगा, यहाँ पर आपका सेंटर टेबल आ जाएगा। इसके साथ हमने चूँकि वॉशरूम दिखाया, ये हमारा एक बेडरूम है, इधर आपने वॉशरूम देख ही लिया है, एक बार दिखा दें फिर से। उसके बाद मैं आपको ओवरलुक देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा नज़दीक आ जाएं शुभम जी। ये हमने यहाँ पे किचन दिया, एक बेडरूम हमारे यहाँ हो गया और सेकेंड बेडरूम हमारा यहाँ हो गया जिसके साथ हमारी बैल्कनी है। चलिए मैं 1x1 करके आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो ये फ्लैट उस लिहाज से बहुत अच्छा है जो लोग ओपन लाइक हॉल में ओपन किचन नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, आपका किचन साथ में है, तो जो भी आपको सर्व करना है यहाँ पे सर्व किए
अगर चाहें तो यहाँ पे आप एक कर्टेन भी लगा सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ये हमने हॉल आपको दिखा दिया, ड्राइंग रूम, इसके साथ जो बेडरूम है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा वन बेडरूम है, इसकी तकरीबन हम साइज़ की बात करें तो ये अप्रॉक्स 10x10 का साइज़ है हमारा। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया गया है और यहाँ आप चाहें तो विंडो एसी भी लगा सकते हैं, हालांकि जो साफ्ट का एरिया है वो बड़ा है। इस तरह के टेक्सचर्स वॉलपेपर दिए हैं और इसी से कलर को मैच करवाते हुए बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, जिसमें हमेशा की तरह कॉब लाइट्स और LED लाइट्स लगी हुई हैं। इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि ड्राइंग से आगे आएंगे तो यहाँ पे हमने ये किचन का एरिया दिया है। किचन में आप देखेंगे कि जैसा हमारे सारे फ्लैट्स में होता है, किचन मॉड्यूलर बनाया गया है, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिमनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चिमनी चाहिए होगी तो हम आपको दे देंगे। हालांकि यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो उसका प्रोविज़न है। हालांकि उसमें क्या होगा कि हमें एक जो ये कैबिनेट है, एक बॉक्स है, वो हटाने पड़ेंगे तभी यहाँ पे चिमनी आ पाएगा। यहाँ सिंक देख रहे हैं, सिंक हमने दिया है जिसमें आपके टैप लगने हैं, जिससे आपका जो गीजर के पॉइंट्स होंगे, जिससे ठंडा पानी गर्म पानी आएगा, उसके बाद एक आपका जो जल बोर्ड का डायरेक्ट पानी होता है वो आएगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ दो तरह के पानी हैं, एक तो आपका जल बोर्ड का पानी जो डायरेक्ट होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जिसका टाइम होता है एक सर्टेन टाइम कि इस टाइम से इस टाइम तक पानी आएगी, और एक समरसेबल हम लोग देते हैं जिसका पानी आपका 24 घंटे होता है। मैं आपको कैबिनेट्स अगर दिखाने की बात करूँ तो आप देखें तो इसमें जो बड़े कंटेनर है उसके लिए इधर स्पेस दिया गया है, उसके बाद यहाँ भी आपके स्पेस दिए गए हैं, और जो आपका कटलरी वेयर होता है, जो कप है, आपके स्पून है, वो सारी इसमें आपके आ जाएंगे। अगर कॉर्नर की बात करें तो यहाँ भी स्पेस है, उसके अलावा इसमें भी स्लॉट्स दिए गए हैं, ये आप देखें, जो आप मसाला रखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाएगी, इधर भी आपके स्लॉट्स दिए गए हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो RO का है, यहाँ आपके टैप्स लगे हुए हैं, यहाँ आप RO लगवा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे स्विचेस भी दिए गए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको आगे लिए चलता हूँ। उसके बाद ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम में हम जाहिर से ही एंट्री लेते हैं तो अगेन यहाँ पे इसके वेंटिलेशन के लिए ये विंडो यहाँ पे दी गई है, और इसकी भी तकरीबन हम साइज़ की बात करें तो 10x11 का साइज़ है। ये टेक्सचर पेंट यहाँ करके दिया गया है, और ऊपर का डिज़ाइन देखें आप, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन इससे मैच करवाते हुए, जिसमें कॉब लाइट LED लाइट्स लगाई गई हैं, और साथ में एक कवर्ड यहाँ दिया गया है। चूँकि हमें लगा कि ये प्लेस यहाँ पे अच्छा है अलवीरा के लिए, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आप बोलेंगे इसको फिट कर दिया जाएगा। ये देखें, इसमें एक सेल्फ भी दिए गए हैं, और आपको ऊपर भी यहाँ पे स्टोरेज आपको मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड बेडरूम। ये थर्ड बेडरूम है हमारा, इसकी भी अगर तकरीबन हम साइज़ की बात करें तो ये अप्रोक्स आप 10x10 का साइज़ है, क्योंकि 75 गज का फ्लैट है तो उसी तरह से इसमें स्पेस निकाला गया है। यहाँ हमने इसके साथ अटैच वॉशरूम दिए हैं, जिसकी फिटिंग सभी होनी है। एक बार स्पेस दिखाएं वहीं से शुभम जी, आप ये पूरा स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, हालाँकि जो अटैच वॉशरूम के हिसाब से स्पेस ठीक है इसका। और इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दी गई है, यहाँ आपका विंडो एसी का प्रोविज़न है, और साथ में ही ये बैल्कनी का एरिया है, और साथ में इसके साथ जो वॉशिंग एरिया हमारा होता है, यहाँ आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, यहाँ स्विचेस दिए गए हैं। अगर बाहर के हम रोड की भी बात करें तो 30 फीट का रोड, काफ़ी चौड़ी रोड, और एक बार ऊपर की तरफ दिखाते हैं, सामने की जो भी बिल्डिंग बनी है, आसपास की बिल्डिंग है, वो सारी अच्छी है, लाइक डेवलप्ड एरिया है। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 30 लाख रुपए में 3 BHK
जो 75 गज का फ्लैट है वो हम बनाने की कोशिश किए हैं। अगर आप साइट विज़िट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हमारा जो नंबर है, जैसा आप देखते हैं एज इट इज़ हमारा नंबर होता है, जो 9711844789, ये हमारे कस्टमर केयर का नंबर है। तो आप इस पे फ़ोन करके फ्लैट आप देखने आना चाहें तो आ सकते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ कि ये जो हमारा फ्लैट है, ये मंसाराम पार्क द्वारका मोड़ न्यू दिल्ली में आता है, जो बहुत ही नज़दीक है, हार्डली आधे किलोमीटर अगर आप बोलें तो द्वारका सेक्टर 3 से। और अगर मेट्रो लाइन की मैं बात करूं कि मेट्रो लाइन से कितनी दूरी है, मेन रोड से कितनी दूरी पे है ये, तो ये सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। मेट्रो स्टेशन से भी इसका आधे किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो फ्लैट का जो डायरेक्शन होगा, जब फ्लैट में आप एंट्री ले रहे हैं, तो ये आपका साउथ फेसिंग होगा, और जब फ्लैट से आप बाहर निकल रहे हैं तो ये आपका नॉर्थ फेसिंग होगा। बैल्कनी में हम खड़े हैं हुए थे तो हमारा साउथ फेसिंग था। इट मीन साउथ फेसिंग के बारे में, साउथ फेसिंग जो हमारा बैल्कनी है उसके बारे में जनरली ये कहा जाता है कि धूप उसमें पूरे दिन होती है। तो फ्रेंड्स, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, ये फ्लैट जो है ये लोन वाला फ्लैट है, लोनेबल है, और इस पर रजिस्ट्री है। तो आप 85-90% तक, 90 ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ 85% तक इस पर आपको लोन मिल जाएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में, नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। थैंक यू सो मच।